सर मुझे इस कॉलेज ने कॉल किया था, ये कॉलेज कैसा है सर, ये कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए क्या? इस तरीके के क्वेश्चन हमें लास्ट एक महीने से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड अ कॉलेज कि ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है। एक तो हमें पता है कि रैंकिंग होती है, जिस कॉलेज के कॉलेजेस के कट ऑफ ज़्यादा हैं उस कॉलेजेस में हमें जाना चाहिए। काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको कभी कॉल नहीं करते, और अगर आप उनको कॉल करोगे तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते, राइट? आप जमनालाल बजाज से कभी भी कॉल आपको नहीं आएगा, IIM से आपको कॉल्स नहीं आएंगे, बट आपको फिर कॉल जो कॉलेजेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कॉलेज कॉल करेगा, क्योंकि आप बहुत सारे पोर्टल पे आपने MBA कॉलेजेस के बारे में सर्च किया होगा, ठीक है, तो उनके पास आपका नंबर चला गया होगा, आपको सबसे पहले चेक करना है उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कि उनका प्लेसमेंट अभी तक का कैसा था। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, आपको ओरली बता दिया हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। देखिए कोई भी कॉलेज आपको सामने से तो ये नहीं बोलेगा ना कि मेरा प्लेसमेंट ख़राब है, राइट? कोई भी कॉलेज आपको एग्जैक्टली डेटा दे रहा है क्या कि 240 मेरे पास स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर, ये 240 कॉलेजेस का डेटा है, इतने प्लेसमेंट्स हुए हैं इस प्लेसमेंट इस रुपीज़ पे, ये आपको कोई देने वाला नहीं है। जनरली कॉलेजेस या तो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट बताएंगे जो एक स्टूडेंट का हो सकता है, ओके, एंड मीडियम बताते हैं, एवरेज बताते हैं, कोई लोवेस्ट तो बताता ही नहीं है, बट वो आपको रिसर्च करना होगा। काफ़ी सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी वहाँ पे जाके आपको बोलते हैं एक एंट्रेंस एग्जाम दे दो। ठीक है, आप देखोगे कि आपने स्कोर उतना अच्छा नहीं किया, बट फिर भी आपको कॉल आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आइदर डायरेक्टली एडमिशन या फिर आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जा रहा है। अब इंटरव्यूज़ में भी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर उसने तो कुछ आंसर ही नहीं किया था, बट फिर भी उसको कॉल दे दिया गया और उसको बोला गया कि वी हैव सीन द हिडन पोटेंशियल इन यू। तो अगर इस तरीके के कॉलेजेस आपको कॉल कर रहे हैं तो क्या सही में एडमिशन लेना चाहिए? कॉलेजेस की देखिए फीस आपको पे करने, कॉलेजेस की जो फीस है वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख तक के फीस है कॉलेजेस की। ये हार्ड एंड मनी है आपके पेरेंट्स की जो आप इन्वेस्ट करोगे, या फिर हो सकता है आप उसको लोन लो। और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लोन लेते हो 5-6 साल में पैसे आपके ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, वो आपको पे करना होगा, उतनी आपकी सैलरी मिल रही है क्या? ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। रिव्यूज़ क्या है उस कॉलेज का, ठीक है, कॉलेज से ही सब कुछ मत जानो, आपको गूगल पे है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उस कॉलेज के बारे में जान सकते हो। सबसे बेस्ट होटल रिकमेंड कि आप उस कॉलेज के बाहर खड़े हो जाओ, 4-5 बच्चों को आप पकड़ो और उनको बोलो भाई कॉलेज कैसा है, मुझे एडमिशन लेना चाहिए क्या, वो कॉलेजेस का एफिलिएशन क्या है, वो कॉलेजेस कहीं पे एफिलिएटेड है कि नहीं है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर है कि नहीं है, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर है कि नहीं है, प्रॉपर डिग्री है कि नहीं है, या फिर क्या पता आपको डिप्लोमा दे रहा है या फिर एक कोर्स दे रहा है, कल को जाके आपको लेट्स से गवर्नमेंट जॉब करनी है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे मास्टर्स डिग्री वाले लोग चाहिए, तो क्या वो डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा? कल को आपको PhD करनी है या कोई ऐसा कोर्स करना है जहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए, तो क्या वो आपकी डिग्री है? कल को जाके आपको इंटरनेशनल कोई जॉब लग रही है, इंटरनेशनल कुछ आपको कहीं से कॉल आ गया, तो क्या वो डिग्री या डिप्लोमा वैलिड है? क्या आप जो पैसे इन्वेस्ट करोगे वहाँ से रिटर्न आपको मिल रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन हमारे घाटकोपर ब्रांच में, दादर में, डोंबिवली में। जैसे ही महाराष्ट्र MBA CET हो जाएगा, वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन। ऑनलाइन लाइव भी ये सेशन होगा जहाँ पे वी आर गोइंग टू हेल्प यू कि किस प्रकार से आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करना है, CET के थ्रू ही जाना है या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसका PGDM भी अच्छा है या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं क्या। अगर आपको ये जानना है कितने कॉलेजेस मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में हैं और कितने उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है CET के थ्रू, तो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट हमारे BEducare ऐप के अंदर है। आपके मन में कुछ भी सवाल है MBA को लेके, एंट्रेंस एग्जाम को लेके, कॉलेजेस को लेके, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे हम ये नोटिफिकेशन लाएँ कि सेशन कब हो रहा है, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।